यमुना में गंदगी का एक बड़ा कारण औद्योगिक कचरा है। घरों से निकलने वाले सीवेज के गंदे पानी का बिना ट्रीटमेंट नदी में प्रवाहित करना है, इसकी पवित्रता को खत्म कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यमुना नदी में गंदा पानी गिराने वाले 150 ड्रेनेज पॉइंट्स में से 100 ऐसे हैं जहां से निकलने वाली गंदगी तय मानकों को पूरा नहीं करती। इन 100 ड्रेनेज पॉइंट्स में से 2 हिमाचल प्रदेश में, 52 उत्तर प्रदेश में, 20 दिल्ली में और 26 हरियाणा में। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार यमुना के 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी सबसे अधिक गंदा रहता है। इसमें पहला है हरियाणा में पानीपत से सोनीपत तक, दूसरा है दिल्ली के वजीराबाद से हरियाणा के असगरपुर तक और तीसरा है हरियाणा के असगरपुर से उत्तर प्रदेश के इटावा तक। हमारे देश में नदियों को पूजनीय माना जाता है, नदियों के किनारे पूजा की जाती है। स्वयं को पवित्र करने के लिए और अपने पाप धोने तक के लिए नदियों में स्नान किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी नदियां मर रही हैं और हमने अपनी नदियों को एक गंदा नाला बनाकर छोड़ दिया है। इनमें तरह तरह का कचरा, गंदगी के अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल कई बार बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ दिए जाते हैं। यही हाल हवा का है। शुद्ध हवा में सांस लेना सबका अधिकार होना चाहिए, लेकिन महानगरों में तो शुद्ध हवा अब एक लग्जरी है। यह दुख का विषय है कि स्वतंत्रता के करीब 75 वर्षों में भी हमने ऐसा सिस्टम तैयार नहीं किया जिससे नदियों को स्वच्छ बनाया जा सके, हवा को सांस लेने योग्य सुरक्षित बनाया जा सके। भारत में जाति वर्ग, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर राजनीति होती है, लेकिन नदियों को साफ रखना कभी प्राथमिकता नहीं बन पाता क्योंकि इसमें नेताओं को बड़ा फायदा नजर नहीं आता। जरा सोचिए, नदी किनारे पूजा अर्चना हो, इस बात पर पॉलिटिक्स हो जाती है, लेकिन जहां पूजा हो रही है वहां का पानी साफ हो, इसे सुनिश्चित करने पर कोई बात नहीं होती। इसी तरह वोटों वाली हवा बदलने पर तो सब दिमाग लगाते हैं, लेकिन प्रदूषित हवा को बदलने, उसे साफ करने के मुद्दे पर राजनीति के बड़े बड़े खिलाड़ी चुपचाप पवेलियन लौट जाते हैं। राजनीति का ये दृष्टिदोष पूरी भारतीय संस्कृति को प्रदूषित कर रहा है।